यार कौन सी सुपन खा लग गया यार मैंने सुपन खाए पाओ गया जय हो रावण की बेबे की कृष्ण भगवान की राधा रानी की हरे के सहारे की। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारा ने, स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में और मैं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई फिलहाल खड़ा हूँ मैं मेहंदीपुर बालाजी। इससे भाई पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बालाजी कैसे आया। आप भाई बांदी कोई से भी आ सकते हो रेल से, और अगर आपको डायरेक्ट मतलब नहीं मिल रही तो आप जयपुर के भी आ सकते हो। मैं तो जयपुर के आया था, वो आपको कैसे मैं कैसे आया कैसे है सब आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो मतलब एरोप्लेन से आ रहे हो तो जो आपको सबसे नज़दीक एरोप्लेन पड़ेगा वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप उससे भी आ सकते। और भाई मूर्ति की स्थापना की थी अपना गणेशपुरी महाराज जी ने, और अब चल रहे भाई दर्शन करने। भाई बालाजी मंदिर के सामने ही है श्री राम दरबार, क्योंकि आप बालाजी के दर्शन कर रहे हो और राम भगवान के दर्शन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और भाई बालाजी मंदिर है अपना जिसमें भूत प्रेत आत्मा आती हैं और जिसमें भूतों का साया होता है, उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो, क्योंकि यहाँ संकट काटे जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और ये भाई बालाजी मंदिर का द्वार, सुबह तो सन्नी बता रहा था कि वहाँ तक 1.5-2 किलोमीटर तक लाइन थी। आपने पीछे वाली वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत लंबी लाइन है। देखो ये है मार्ग, मंदिर दर्शन का समय 7 बजे है और आरती का समय सुबह 6 बजे है और शाम को 7 बजे है। अंदर लाइन लगी हुई है भाई साहब तगड़ी। जय श्री राम। सन्नी जय श्री राम। ओए भाई साहब क्या डेकोरेशन है यार, नया बना दिया आप तो भाई साहब, क्या डेकोरेशन है भाई। जो बाहर से बिल्कुल लाइन नहीं लग रही थी, अंदर देखो, जब पहले आया था ना मैं तो बिल्कुल डेकोरेशन नहीं थी, आधे घंटे के बाद लाइन खुली है और जोश देखो। मंदिर के पास आने वाले भाई, और यहाँ पे एक वो है कि मंदिर में आप किसी भी कर्मचारी या पूजा पाठ करने वाले को ना कुछ भी दान दक्षिणा या पैसे नहीं दे सकते वो, क्योंकि कमेटी की तरफ से जो भी है वो मनाही है। तो किसी भी के बहकावे में ना आए, ये भ्रमित करने का एक वो होता है, इनका प्लान होता है। अंदर तो भाई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप वर्चुअली दर्शन कर लीजिए। ये हैं बालाजी महाराज हमारे मेहंदीपुर वाले, और जो मंत्र चल रहे हैं ये पंडित जी कर रहे हैं। बालाजी महाराज के दर्शन करके भाई भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो, और भाई इन सब के बाद प्रेतराज सरकार के दर्शन कर सकते हो आप। इनके बाद भाई दीवान सरकार के दर्शन, प्रेतराज सरकार के दीवान, और भाई आप बालाजी के दर्शन करके आगे बिना पीछे मुड़े आगे चलना है आपको। पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा सीधा चलना है, ऐसे मानता है मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखते। और भाई जो आपको ये हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है ये 151 फीट की, और इस जगह का नाम है हरी सोना धर्मशाला, जो कि बालाजी के मंदिर से थोड़ी सी आगे जाके किसी से भी पूछोगे ना बड़ी हनुमान की मूर्ति बोल देना, 151 फीट की है। और भाई ये सुखवीर चरण अग्रवाल ने अपने पिता लाला हरिराम अग्रवाल व माता स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी की यादगार में बनवाई थी, दिल्ली से है भाई ये, और इसका उद्घाटन हुआ था 19/5/2019 को और शिलान्यास किया था इसका 1/1/1992 को। और ये भाई वो विश्व कीर्तिमान 151 फीट ऊँची हनुमान जी की मूर्ति देखो। अब चलते हैं भाई इस तड़का माई के अंदर गुफा में, और भाई इसके नाक ऐसे नहीं लगते जैसे लड़कियां या वाइफ ऐसे इतने बड़े नाक नहीं हो जाते उनके लड़ने के बाद। अच्छा चलो ये तो मजाक की बात है, चलते हैं। जय हो तड़का माई। और ये भाई कुछ अंदर का, शेरों वाली मैया मेरी अखियों के सामने ही रहना हो शेरों वाली जगदम्बे। अब चलते हैं भाई श्री राम दरबार में, जो कि बिल्कुल बालाजी मंदिर के सामने
यार कौन सी सुपन खा लग गया यार मैंने सुपन खाए पाओ गया। जय हो रावण की बेबे की। भाई दर्शन करके भाई शाम हो चुकी है और ये समाधि वाले बाबा का मंदिर बन रहा है यहाँ जिन्होंने मूर्ति की स्थापना की थी। देखो वहाँ से भी पब्लिक दर्शन कर रही है बाबा के। ये भाई राम दरबार और भीड़ देखो आप, रात के 8 बज रहे हैं, इतनी भीड़ यार कैसे। भाई हमने बालाजी के और भैरव बाबा के, प्रेतराज जी महाराज के, श्री राम दरबार भी देखा होगा, विश्व कीर्तिमान 151 फीट की मूर्ति भी देखी होगी हनुमान जी की। भाई मजा आ गया यार, ये अपना बड़ा भाई और भाई साहब चप्पल संभाले पला। हाँ चप्पल ले ला भाई, कहता चप्पल ढाली हो किसी ने। भाई भीड़ देखो यार, 8:30 का टाइम हो रहा है लेकिन भीड़। और भाई जो मेरी वीडियो को रेगुलर फॉलो करता है यार, उसको पता है मैं जहाँ भी जाता हूँ ना वहां से मेरी चप्पल उठती उठती है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पे भी वही हुआ, चप्पल उड़ गई। सिक्योरिटी गार्ड वाले बोल रहे थे संकट कट गए। अरे मैं कहा भाई मेरा हर बार का हो रहा है यार, जब भी जाओ चप्पल उड़ जाती है, बताओ कब हो गया ये। कब हुआ कब? ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते। चप्पल पता नहीं यार कौन ले जाता। चलो कोई बात नहीं, इसको जुड़ती वो ले गया। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना ठीक।